अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फूड पैशन विद पर्सो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसानी से बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लबाबदार की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, कुछ सिंपल इजी स्टेप्स फॉलो करके आप इसे घर में उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से इसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चिकन लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉट में पानी गरम किया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज टमाटो, जिनको मैंने रफली मोटा मोटा चॉप किया हूँ। चॉप मैंने इसीलिए किया हूँ, कभी कभी टमाटर के अंदर कीड़ा वगैरह होता है तो इस तरीके से लेना बेहतर होगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी काजू जो कि है 20, तो इसको मैं बॉईल करूँगी जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारा मैरिनेशन है चिकन का, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश योगर्ट जो कि है 1 कप। थिक योगर्ट यूज़ करना है आपको, दही इसमें मैं शामिल करूँगी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो कि है 700 ग्राम। उसे मैं अच्छे से मसाले में मैरिनेट करूंगी। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी, इसे 10-15 मिनट के लिए ही रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो प्याज और टमाटर है वो बहुत अच्छे से गल गया है इस तरीके से, क्योंकि मैंने इसे चॉप की इसलिए बहुत जल्दी गल गया, 10 मिनट में ये रेडी हो गया है। तो मैं अभी इसे छानकर एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी इसका। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट गरम की, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप तेल। आप चाहे तो बटर और ऑयल मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तेल में हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, खड़े गरम मसाले, जिसमें के है तेज़पत्ता 2 से 3, दालचीनी के टुकड़े 2 है, हरी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ये हमारे जो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन। तो चिकन को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी, ये जो पानी छूट रहा है ना दही का, ये सूखने तक। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारा जो चिकन है वो हाफ डन ऑलरेडी हो चुका है। ये इस तरीके से पानी सूख गया है, एक मसाला सा बन गया है और जो तेल है वो ऊपर आ गया है, आप देख सकते हो ना। तो यहाँ पर मेरे पास काजू, टमाटो और ऑनियन का पेस्ट है, तो इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी। और इसे बहुत अच्छे से भूनना है। चिकन हमारी जो है आधी कच्ची है, अभी पूरी तरीके से नहीं पकाना है, और ये जो मसाला है ये भी बॉइल्ड है, ये भी आधा कच्चा पक्का है। इन शॉर्ट दोनों को पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से पक नहीं जाता। तो मैं फ्लेम को हाई रखूँगी और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक हमारा चिकन गल जाएगा और मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक करूँगी हमारा चिकन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी थिक हो गया है,
तो इसमें हम शामिल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर मैं ऑरेंज रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप दूध। आप अगर चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। बॉइल्ड मिल्क यूज़ करना है, कच्चा दूध नहीं डालना है यहाँ पर। इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे भी हम मिलाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी जो कि है 1 टेबलस्पून के करीब, इसे भी मिलाएंगे अच्छे से। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर हमारा जो चिकन है पक रहा है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने मीडियम साइज में चॉप किया है, इसे हम मिलाएंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा चिकन लबाबदार बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें एक लास्ट चीज डालनी बाकी रह गई है, वो है चीज। चीज को हम इस तरीके से ऊपर से ऐड करेंगे। चिकन लबाबदार रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व कर सकते हो पराठे के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। आप बघारे चावल, बिरयानी, राइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।